दोस्तों फाइनली अम्बा ने हरिप्रसाद जी को अपना असली रूप दिखा ही दिया। अम्बा को जैसे ही पता चलता है कि हरिप्रसाद जी ने देव पर हाथ उठा दिया है तो अम्बा बौखला जाती है और वो हरिप्रसाद जी को अच्छा सा लेसन देने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। हरिप्रसाद जी अपने सर से बोझ हल्का करने के लिए दुकान के सारे पेपर्स अम्बा को लौटा देते हैं और कहते हैं कि जिस चीज को हम लौटा नहीं सकते, जिसका मूल्य नहीं चुका सकते, तो यहाँ पर अम्बा एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर सामने रखती है कि इस दुकान से जो कुछ भी प्रॉफिट होगा तो उसके आप चार हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा मुझे दे देना। तो भाई यहाँ पर तो हरिप्रसाद की नजरों में अम्बा बहुत ही ऊंचे उठ जाती है, लेकिन तभी अम्बा एक इतना जबरदस्त डायलॉग देती है जिसे सुनने के बाद विधि और उसके पूरे परिवार वाले एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। हरिप्रसाद अम्बा से कहते हैं कि हम तो आपके एहसानमंद हैं, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे, हम तो आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। जिसे सुनने के बाद अम्बा कहेगी कि वैसे ही इज्जत जैसे कि आप देव की करते थे। तो भाई यहाँ पर अम्बा हरिप्रसाद जी पर बैक टू बैक फायर करती हुई नजर आएगी, जिसे देखकर विधि काफी ज्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि वो तो अम्बा का असली रूप जानती है लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ उसके पेरेंट्स को भी देखना पड़े।